Good morning, my dear kids. How are you, beta? I hope you all are fine and safe at your home. Myself, Sonia Grover, I am again here to learn with you. क्या करना स्टार्ट किया था हमने? मोबाइल ऐप डेवलप करनी है. किसमें करनी है? code.org में करनी है. तो आज हम क्या करने वाले हैं? किसी से हम ऐप चलाते हैं, उसमें हम देखते हैं ना कि किसी बटन पे हम जब क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाते हैं. अगर हमने बैक चलना है तो बैक बटन पे क्लिक करते हैं, बैक स्क्रीन पे आ जाते हैं, और कुछ इमेजेस वगैरह भी हमें विजिबल होती हैं. तो आज हम वो करेंगे कि code.org में हम ये फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करते हैं. राइट, देखो मैं आपको थोड़ा सा करके बताती हूँ. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मेरी स्क्रीन है, मोबाइल ऐप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट एरिया लिया है ऑरेंज, ऑरेंज कलर इमेज भी लगाई है मैंने, और ये नेक्स्ट बटन मैंने लगाया है. अब मैं इसको रन करती हूँ एक बार. जब मैं इसको रन पे एग्जीक्यूट करती हूँ ना, देन ये, अब इसको क्लिक करके देखो, अब नेक्स्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो मैंने नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुंच गई हूँ, जहाँ पे मेरी ग्रेप्स की पिक्चर लगी हुई है और टेक्स्ट एरिया में ग्रेप्स लिखा हुआ है. और जब बैक पे क्लिक करती हूँ तो ये ऑरेंज हो जाता है. मीन्स आज हम क्या करने वाले हैं कि कैसे परफॉर्म करेंगे, हम बैक बटन पे क्लिक करें तो बैक स्क्रीन पे आ जाए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाए. तो और हमने इमेजेस कैसे लगानी है, आज हम सब ये करेंगे कि कैसे हमने इनको परफॉर्म करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता ही है, मैं इसको क्लोज कर रही हूँ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, code.org अपना ब्राउजर ओपन करेंगे. राइट, ब्राउजर में क्या टाइप करेंगे, code.org. code.org जब आप टाइप करते हैं देन आप साइन इन करोगे, क्लिक ऑन साइन इन. जब आपने साइन इन पे क्लिक किया तो आपके पास पूछेगा कि हैव एन अकाउंट ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, या आप अपने जीमेल के अकाउंट के थ्रू, फेसबुक के अकाउंट के थ्रू, या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं. मैं यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना चाहती हूँ. कंटिन्यू विद गूगल के साथ जब आप करते हैं, देन मैं लर्निंग विद सोनिया ग्रोवर, ये मेरी आईडी है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ. तो उसके बाद लॉगिन कर लिया है मैंने. आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं. तो मैं नीचे स्क्रॉल करके जाती हूँ. ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्प्राइट लैब है, आर्टिस्ट है, ऐप लैब है. तो मुझे ऐप बनानी है, तो मैं इस ऐप लैब पे क्लिक करती हूँ. प्रोसेसिंग हो रही है, ओपन हो गई है मेरी ये ऐप लैब. तो यहाँ पे आपको तीन टैब ऊपर दिखाई देंगे, एक कोडिंग का है, एक डिजाइनिंग का है और एक डेटा का है. तो फिलहाल हम कोडिंग और डिजाइन को अभी यूज करेंगे. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किस पे जाते हैं, डिजाइन वाले टैब पे जाते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, दैट इज स्क्रीन वन. तो आईडी क्या है हमारी, स्क्रीन वन है. यहाँ पे मैंने क्या लगाना है, एक टेक्स्ट एरिया लगाना है और एक बटन लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, तो टेक्स्ट एरिया के लिए जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने. तो यहाँ पे क्या है, यूआई कंट्रोल्स हैं आपके डिफरेंट. तो आपने यहाँ से क्या करना है, एक टेक्स्ट एरिया, ये आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट एरिया, आपने ड्रैग करना है एंड ड्रॉप करना है स्क्रीन के ऊपर. राइट, तो इसके बाद ये आपकी प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं. टेक्स्ट एरिया देखो, आईडी क्या है, टेक्स्ट एरिया है. टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हो, मैं यहाँ पे सपोज ऑरेंज लिखना चाहती हूँ, तो मैंने ऑरेंज लिखा. इसकी विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, जो टेक्स्ट एरिया है पोजीशन क्या रखनी है, डिफरेंट टेक्स्ट कलर क्या देना है, बैकग्राउंड कलर क्या देना है, फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी यूज करनी है, फ़ॉन्ट साइज कितना चाहिए. फॉर एग्जांपल मुझे 23 एटलीस्ट चाहिए. तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट है या सेंटर में करना है, बॉर्डर की विड्थ क्या हो, बॉर्डर का कलर क्या हो, रेडियस, ये सारा आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज अपनी सेट कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट थिंग इज कि मुझे बटन पे बटन क्लिक करना है. तो मैं क्या करूँगी, एक बटन लूंगी यहाँ से, बटन को क्या करूँगी, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप. तो मैंने यहाँ पे एक बटन ड्रॉप किया, तो बटन पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस बटन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. तो
तो बटन की प्रॉपर्टीज में मेरे पास यही सब कुछ, फोन साइज, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, इमेज, ये सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सबसे पहले बटन की आईडी क्या है, दैट इज बटन वन। बटन वन ये मेरी स्क्रीन के वन के ऊपर है। तो देखो अभी मैंने सिर्फ एक बटन लगाया है, नेक्स्ट टाइम मुझे बटन वन टू थ्री मल्टीपल बटन मेरी स्क्रीन पे लगेंगे, तो मुझे आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये बटन कौन सा है। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरी नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जो, वो तो मैं बटन की आईडी क्या देती हूँ, नेक्स्ट, ठीक है, और ये क्या है, बटन है। तो उससे पहले मैं BTN भी डाल देती हूँ ताकि मुझे आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाए कि ये बटन वन है, राइट। बटन नेक्स्ट, क्या नाम है, बटन नेक्स्ट, और कौन सी स्क्रीन पर है, वन नंबर स्क्रीन पे। तो बटन नेक्स्ट वन क्या है, मेरी ये आईडी हो गई है बटन नेक्स्ट वन। तो मुझे इसका मतलब क्या है, मैंने बटन का टेक्स्ट क्या देना है, ये आईडी आप कुछ भी दे सकते हो। जब आप मीन्स कोडिंग करोगे ना तो ये आईडी वहां पे विजिबल होगी कि किस बटन पे आपने कोडिंग करनी है। वो हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम देते हैं कि ताकि हमें रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाए कि बटन कौन सा है। जब मैं कोडिंग करूंगी ना तो आपको अच्छे से और भी क्लियर होगा कि किस लिए मैंने यहाँ पे बटन नेक्स्ट वन दिया। टेक्स्ट जो भी आप दोगे वो यहाँ पे विजिबल होगा, विड्थ कितनी रखनी है बटन की, हाइट कितनी रखनी है, एक्स पोजिशन कितनी सेट करनी है, वाई कितनी करनी है, टेक्स्ट कलर। अब देखो ये व्हाइट कलर का है, अगर मुझे टेक्स्ट कलर देना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, कोई भी टेक्स्ट कलर मैं यहाँ पे चूज करती हूँ, देखो तो यहाँ पे ये विजिबल होता है। उसके बाद है मेरा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो भी आप देना चाहो, जो भी आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लैक ले लूँगी, या कोई भी कलर जो आपको चाहिए आप जस्ट क्लिक करोगे तो वो आपके पास विजिबल हो जाएगा। फोन फैमिली क्या मीन्स आपको टाइप देना है, टाइम्स रोमन देना है, एरियल ब्लैक, जो भी आपको चाहिए। फोन साइज मुझे इंक्रीज करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 25 चाहिए। अलाइनमेंट सेंटर है, ठीक है जी। इमेजेस, अगर बटन पे आपको इमेज लगाना चाहते हो तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे बटन की भी सेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद मैं स्क्रीन टू चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे पास स्क्रीन वन पे क्या है, एक ऑरेंज, सेकंड स्क्रीन पे क्या है, ग्रेप्स है, या कोई भी आप ले सकते हो। जस्ट मैं आपको यहाँ पे बटन की मीन्स नेक्स्ट और बैक कैसे करते हैं वो बता रही हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगी, मुझे न्यू स्क्रीन चाहिए तो मैं यहाँ ये ड्रॉप डाउन बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करती हूँ, तो न्यू स्क्रीन है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करती हूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी स्क्रीन आ गई है, स्क्रीन टू। यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, एक टेक्स्ट एरिया चाहिए और सेकंड थिंग एक बटन चाहिए, ठीक है जी, बटन भी ले लेती हूँ साथ के साथ ही, और एक बटन चाहिए। टेक्स्ट एरिया पे क्लिक करती हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज मेरे पास आ जाती हैं। आईडी क्या है, टेक्स्ट एरिया टू, टेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स लिखा हो। इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकती हूँ, टेक्स्ट कलर भी दे सकती हूँ, बैकग्राउंड कलर जो आपको चाहिए, फोन साइज मीन्स ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट जो भी आप सेट करना चाहो कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइनमेंट मुझे सेंटर में चाहिए, ठीक है जी। और अब मैं बटन की प्रॉपर्टीज पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे बटन टू लिखा हुआ है, तो ये कौन सी स्क्रीन पे है, टू पे है। क्या है ये, बटन है, तो मैं बटन लिख रही हूँ। कौन सा बटन है ये, बैक है, ताकि मुझे बैक पे जाना है। बटन बैक कौन सी स्क्रीन पे है, स्क्रीन नंबर टू पे है। तो लिखा क्या हो इस पे, बैक लिखा हो, राइट। बैकग्राउंड कलर इसकी क्या चाहिए मुझे, कोई भी कलर जो आपको चाहिए आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद बॉर्डर कलर, बॉर्डर रेडियस जो भी आप सेट करना चाहो यहाँ पे आप कर सकते हो। फोन साइज मुझे बटन का यहाँ पे बढ़ा लेती हूँ मैं, 25 हो गया, राइट। तो ये आपका इस तरह से लग गया है। तो आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया लगा लिया और एक बटन लगा लिया है। अब मैं जाती हूँ कोडिंग पार्ट पर, तो क्लिक करती हूँ यहाँ पे कोड पे। तो यहाँ पे मेरे पास दो स्क्रीन है, स्क्रीन वन है, स्क्रीन टू है। तो टेक्स्ट एरियाज दोनों स्क्रीन पे लगे हुए हैं, बटन भी दोनों स्क्रीन पे लगे हुए हैं। आप क्या चाहते हो, फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो। तो फंक्शनैलिटी कहाँ पे परफॉर्म होती है, इवेंट पे। इवेंट मतलब कोई भी जब क्लिकिंग करते हैं इवेंट, तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया ऑन इवेंट। ऑन इवेंट जो सबसे ऊपर UI कंट्रोल्स में लिखा है, इसको आपने ड्रैग करना है एंड ड्रॉप करना है। पहले क्या है, आईडी है,
फिर इवेंट है और क्या फंक्शन परफॉर्म होगा वो इन बिटवीन हम बताएंगे. ऑन इवेंट यहाँ पे आईडीज देखो कौन कौन सी चीज़, इस पर क्लिक करो ड्रॉप डाउन बॉक्स पे. देखो बटन बैक मैंने दिया था ना वहाँ पे, जब बैक बटन लगाया था टेक्स्ट में मैंने बैक दिया था तो यहाँ पे बैक डिस्प्ले हुआ था, और BTN बैक 2 लिखा था तो स्क्रीन 2 पे मैंने बैक वहाँ पे टेक्स्ट लिखा था. तो मेरे लिए आइडेंटिफिकेशन ईजी हो गई है कि मुझे किस बटन पे कोडिंग करनी है, नेक्स्ट वन पे करनी है या बैक 2 पे करनी है इस तरह से. तो ये मैंने इस तरह से 6 कंट्रोल्स लिए थे, 2 स्क्रीन्स हो गई, 2 टेक्स्ट एरियाज हो गए और 2 बटन्स हो गए हैं. तो हमने किस पे करनी है, अभी हम स्क्रीन सपोज स्क्रीन 2 पे है तो मुझे बैक पे करनी है. बैक 2 मैंने क्लिक किया, कौन सा इवेंट है, क्लिक इवेंट है, क्या फंक्शन परफॉर्म हो. अगर मैं इस बैक पे क्लिक करूँ तो मेरे पास कौन सी स्क्रीन आ जाए, स्क्रीन 1 जो पीछे वाली स्क्रीन है. तो उसके लिए मुझे एक सेट फंक्शन लेना होगा, सेट स्क्रीन. तो ये सेट स्क्रीन लूंगी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने, सेट स्क्रीन. तो क्या होनी चाहिए, स्क्रीन 1 होनी चाहिए. मीन्स बैक पे जाऊंगी तो स्क्रीन 1 होगी. इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्क्रीन 1 पे भी देखो, इस पे क्लिक करके देखो, अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, स्क्रीन 2 आने चाहिए. इवेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट का बटन नेक्स्ट. तो इस पे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरा क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए कि सेट करना चाहिए. क्या सेट करें, मेरा सेट स्क्रीन 2. तो सेट स्क्रीन यहाँ 2 पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ. ये देखो सेट स्क्रीन, इसको मैंने ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया इस तरह से. तो यहाँ पे क्या हो, अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास क्या हो, स्क्रीन 2 हो. तो इस तरह से सिंपल सा कोड हमने लिखा बैक बटन के बिहाफ पे और नेक्स्ट बटन के बिहाफ पे. अब इसको रन करके देखो, रन करने के लिए रन पे आपने क्लिक करना है, इसको क्लिक करो. अब देखो ये यहाँ पे एक स्क्रीन है, ये नेक्स्ट वाले बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, ये नेक्स्ट स्क्रीन खुल गई. बैक पे क्लिक करते हो तो ये ऑरेंज वाले हो गए. अब मुझे यहाँ पे क्या एक इमेज लगानी है ऑरेंज की और ग्रेप्स की, कोई भी आप इमेजेस यहाँ पे सेट कर सकते हो. तो आप इमेज क्या करते हो, डेस्कटॉप अपने डेस्कटॉप पे रख लो, किसी भी लोकेशन पे रख लो, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके. मैंने 2 इमेजेस रख रखी हैं, एक ऑरेंज की और ग्रेप्स की अपने डेस्कटॉप पे. तो उसके लिए मैं करूँगी पहले डिज़ाइनिंग पे जाती हूँ. डिज़ाइनिंग पे मुझे क्या लगानी है, एक इमेज लगानी है. तो यहाँ पे मेरे पास टूल बॉक्स में इमेज है तो मैं इस इमेज को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ इसके ऊपर, ऑरेंज के ऊपर. तो मैंने क्या करना है, इस इमेज पे क्लिक करती हूँ तो प्रॉपर्टीज आ गई हैं मेरे पास. तो इमेज की विड्थ हाइट जो भी आप सेट करना चाहो, बॉर्डर कलर इस तरह से आप दे सकते हो. यहाँ पे इमेज में चूज का ऑप्शन है, इमेज में चूज का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दिस, अपलोड फाइल. फिर उसके बाद मैंने डेस्कटॉप पे लगाई है, डेस्कटॉप लोकेशन यहाँ पे क्लिक करना है. तो यहाँ पे क्या है, ऑरेंज की पिक्चर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है तो इस पर क्लिक करना है. देन ओपन पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद इसको चूज करना है यहाँ से. तो ये आपकी ऑरेंज की पिक्चर देखो यहाँ पे आ गई है. अगर ये आपको छोटी लग रही है तो आप इसकी विड्थ और हाइट आप सेट कर सकते हो. जैसे मैंने इसकी विड्थ 100 की जगह क्या रख दिया, अब 200 रख रही हूँ मैं इसकी विड्थ, 200 पिक्सल किया तो ये इस तरह से आपकी दिखाई दे रही है. मीन्स इस तरह से आप अपनी ऑरेंज की पिक्चर जो है सेट किए हैं अपने. तो अब मैं क्या चाहती हूँ, स्क्रीन 2 पे आना चाहती हूँ. वहाँ पे मैं कौन सी पिक्चर लगाना चाहती हूँ, ग्रेप्स की. तो स्क्रीन 2 पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे इमेज लगानी है तो मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगी. तो यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया तो इमेज के क्या है, आपने चूज करना है कौन सी, ग्रेप्स की. तो यहाँ पे आप चूज पे क्लिक करो. ओहो मैंने तो ऑरेंज की लगा दी है, मुझे यहाँ पे क्या लगानी है, ग्रेप्स की लगानी है. तो मैं करूँगी चूज पे क्लिक करूँगी. ऑलरेडी मेरी यहाँ पे थी, इसलिए मतलब जो आप एक बार अपलोड कर लेते हो वो पिक्चर आपको यहाँ पे चूज पे ऑप्शन दिखाई देने लग जाता है. मुझे अपलोड करनी है पहले, अपलोड फाइल. तो मुझे क्या लगाना है, ग्रेप्स की. ग्रेप्स पे क्लिक किया देन ओपन पे क्लिक किया, राइट. अब दोनों में से मुझे कौन सी चाहिए, ग्रेप्स वाले चाहिए, इसको मैंने चूज किया. तो मेरी कौन सी सेट हो गई, अब ग्रेप्स की पिक्चर सेट हो गई है. इसकी विड्थ भी मैं बढ़ा लेती हूँ तो मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ क्या कर दी है, 200 कर दी है, राइट. तो इस तरह से ये
मैंने सेट किया, इसको अब रन करके देखो। यहाँ पे देखो ऑरेंज लगा हुआ है, ऑरेंज की पिक्चर सेट है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ग्रेप्स है, ग्रेप्स की पिक्चर सेट है। बैक पे क्लिक करती हूँ तो ऑरेंज आता है, नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो ग्रेप्स आता है। इस तरह से क्या हुआ, हमारी ये फंक्शनैलिटी ऐप में हम परफॉर्म कर सकते हैं कि बैक बटन और नेक्स्ट बटन कैसे परफॉर्म होंगे और ऑरेंज मतलब कोई भी इमेज है वो हम कैसे सेट करते हैं। कोडिंग पार्ट में सिंपल सा कोड हमने सेट किया है, ऑन इवेंट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है किस बटन के क्लिक इवेंट पे। इवेंट क्या होता है, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, अगर बटन पे हम कुछ क्लिक करते हैं देन वो बैकग्राउंड पे कुछ कोडिंग होती है, वही हमने कोडिंग यहाँ पे सेट की है कि अगर हम यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सी स्क्रीन आ जाए, वन आ जाए, अगर हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सी स्क्रीन आ जाए, स्क्रीन नंबर टू आ जाए। तो हमने सेट किए हैं स्क्रीन वन एंड स्क्रीन टू। किसी की प्रॉपर्टी सेट करनी है तो हम उसी तरह से डिजाइन पे जाके तो हम उसकी प्रॉपर्टीज इस तरह से सेट करके, कैसे करते थे प्रॉपर्टीज जैसे सेट करनी है, हमने डिजाइन पे जाते हैं, डिजाइन पे किसी पे भी जब आप क्लिक करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज आपके पास शो हो जाती हैं। जैसे इमेज की प्रॉपर्टीज आ गई, ये टेक्स्ट एरिया की प्रॉपर्टीज आ गई, ये बटन की प्रॉपर्टीज आ गई, तो डिफरेंट आप प्रॉपर्टीज यहाँ से सेट कर सकते हो जो भी आपको लुक चाहिए इस तरह से। आई होप कि आपको क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, इसको मिस मत करना। तो वन बाय वन हम करेंगे, नेक्स्ट हम एक ऐप डेवलप करेंगे बहुत अच्छे से, तो पहले ये बेसिक स्टेप्स हैं, इसको अच्छे से समझ लो, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।